गुली बुली और सोन बहुत दिनों के बाद आज चिड़ियाघर घूमने आए हुए हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं है कि इस चिड़ियाघर में एक खतरनाक राक्षस भी रहता है जिसका नाम डेविल है, और वो यहाँ घूमने आने वाले यात्रियों पर अटैक भी करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ और भी बहुत सारे पालतू जानवर हैं जो काफी प्यारे लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गुली बुली और सोन को एक प्यारा सा खरगोश दिखाई देता है। सोन कहता है, गुली बुली ये कितना प्यारा खरगोश है, मैं इसे अपने साथ ले लूं? बुली कहता है, सोन तुम ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर तुमको गोली मार देंगे, फिर मत कहना गुली बुली बचाओ मुझे। बुली कहता है, चलो ना आगे और भी बहुत सारे पालतू जानवर होंगे जिसको देखने में बहुत मजा आएगा। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें कुछ रंग बिरंगे पैरोट दिखाई देते हैं जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। बुली कहता है, अरे वाह कितना मस्त पैरोट है। सोन कहता है, मैं जा रहा हूँ लायन देखने, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हाँ कहीं गुम मत हो जाना। सोन लायन देखने जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में सोन को जोरों की सुसु आती है, और वो बिना गुली बुली को कुछ बताए चिड़ियाघर के बाहर जंगलों में चला जाता है। लेकिन सोन को ये नहीं पता था कि इस घने जंगल में एक डेविल नाम का एक खतरनाक राक्षस भी रहता है जो इंसानों को अपनी बनाई हुई जड़ी बूटी को पिलाकर उसे भी अपने जैसा हैवान बना देता है। और इधर दूसरी ओर डेविल अपना जड़ी बूटी बना रहा था और किसी के आने का इंतजार भी कर रहा था, क्योंकि इस जड़ी बूटी का सुगंध काफी तेज था जो किसी को भी आसानी से अपनी ओर खींच सकता था। सोन सुसु कर ही रहा था कि तभी उसे एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, और वह उस खुशबू को सूंघते हुए राक्षस के घर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि सोन इतनी अच्छी खुशबू अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं सूंघा था। बुल्ली कहता है, अरे बुल्ली सोन कहाँ है, वो तो लायन देखने आया था ना, पर यहाँ तो लायन है पर सोन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बुल्ली कहता है, चलो बुल्ली ढूंढते हैं, सोन जरूर यहीं कहीं मस्ती कर रहा होगा। गुली बुली ने पूरा चिड़ियाघर छान मारा पर सोन का कहीं पता नहीं चला, और रात भी काफी हो गई है। तभी वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और कहता है, सुनो बच्चे अब तुम लोग जाओ यहाँ से, चिड़ियाघर बंद होने का टाइम हो गया है। बुल्ली कहता है, अंकल मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सोन है, वो कहीं खो गया है, हमने हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, बच्चों मैं तो इस चिड़ियाघर को छोड़कर तुम्हारी मदद करने नहीं जा सकता, लेकिन तुम दोनों एक काम कर सकते हो, यहाँ पास में ही एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर सारी बात बताओ, मुझे पक्का यकीन है वो जरूर तुम्हारी दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। गुली बुली फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों को सुनकर बिना देर किए पुलिस स्टेशन जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गुली बुली सोन को उस राक्षस से जिंदा बचा पाएगा, या ये राक्षस सोन को भी उस जड़ी बूटी पिलाकर अपने जैसा बना देगा? ये सब हम लोग देखेंगे गुली बुली इन जू ट्रिप पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करें।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।